स्वागतम दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी सैनसुई कंपनी एसी का रिमोट का फंक्शन मैं बताऊंगी। आज देखिए, ये सैनसुई का 1.5 टन का एसी एयर कंडीशनर है। इसमें स्टेबलाइजर देते हैं, ये ऑन करने के बाद हरा कलर लाइट आता है ना, ग्रीन कलर लाइट आएगा, फिर यहाँ हम ऑन कर सकते हैं रिमोट से। अभी देखिए, मैं रिमोट से ऑन करूंगी। देखिए नंबर आ रहा है ना, ये स्विंग का बटन रहता है ना, वो स्विंग चाहिए तो स्विंग भी रख सकते हैं। थोड़ा कमरे में हवा पूरा, ये हिलने में कमरे में पूरा ठंडी हवा मिलता है। ये नंबर से टेम्परेचर का नंबर कम कर सकते हैं, कम करने में ज़्यादा ठंडी हवा मिलता है। अभी नंबर देखिए, 21, 22, 23 बढ़ता है ना, नंबर बढ़ने में थोड़ा कम हवा मिलता है कमरे में। रात भर पूरा 24 नंबर रख सकते हैं। अभी देखिए, ये स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं एसी का, ये बटन दबाने में। ये मोड रहता है ना, इसमें देखिए कूल दिखता है ना, इसमें कितना आता है, ऑटो कूल ड्राई फैन आता है, इसमें हमेशा कूल रखना चाहिए। और ये फैन दबाने में इसमें भी लो मीडियम हाई आता है, इसमें हमेशा हाई रखना चाहिए। ऐसे बटन पूरा यूजस होता है, बहुत उपयोग होता है। देखिए ये सेट टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर प्लस करने में नंबर 25-26 आ जाएगा, माइनस करने में 24-23 आ जाएगा। ये स्लीप का मोड स्लीप कर सकते हैं। टाइमर ऑन टाइमर ऑफ रहता है, इसके पहले हम क्लॉक सेट करना चाहिए। क्लॉक दबाकर हमको अभी क्या टाइम चल रहा है वो टाइम आना चाहिए। आने के बाद टाइमर ऑफ कर सकते हैं, बहुत उपयोग होता है। ये टाइमर ऑफ बटन दबाने के बाद जल्दी 5 सेकेंड के अंदर फटाफट माइनस या प्लस करना चाहिए। आपको 12 बजे कट होना चाहिए, तो थोड़ा जल्दी टाइमर ऑफ दबाने के बाद 5 सेकेंड के अंदर जल्दी फटाफट वो सेट टेम्परेचर करना पड़ता है। 12 बजे या 1 बजे हम रख सकते हैं, 1 बजे ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा एसी। फिर हमको 3 बजे चाहिए तो टाइमर ऑन कर सकते हैं। 3 AM PM यहाँ दिखता है, 3 AM रखेंगे ना, 3 बजे सुबह में जल्दी ऑटोमेटिकली वो ऑन हो जाएगा। ये डिस्प्ले क्यों रहता है, ये नंबर है ना, ये नंबर अभी देखिए डिस्प्ले करती हो, 23 नंबर आता है ना, दिखता है ना, वो डिस्प्ले आ सकता है डिस्प्ले में। डिस्प्ले बंद होना चाहिए तो ये डिस्प्ले बटन फिर दबाना चाहिए बंद करने के लिए। इतना ही है सैनसुई रिमोट का फंक्शन, बहुत इजी रहता है। बाय फ्रेंड्स।